विजय मैथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए आज हम एक एग्जांपल लेके आए हैं सॉल्वेंट चेक। इसको सॉल्व भी करो और चेक भी करो आंसर करेक्ट है नहीं। एग्जांपल है 256 एक्स प्लस 256 एक्स प्लस 16 एक्स इक्वल्स 1। 256 रेज्ड टू एक्स, 250 प्लस 256 पावर एक्स प्लस 16 पावर एक्स इक्वल्स 1। ये पहले सॉल्व कर दो, एक्स का वैल्यू निकालो। एक्स का वैल्यू निकाल के और रीचेक करो इस इक्वेशन में, एक्स का वैल्यू पुट करके 1 = 1 आता ही नहीं वो भी चेक करो। ठीक है, अभी पहले एक क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, 256 एक्स प्लस 256 एक्स प्लस 16 रेज टू एक्स इक्वल्स 1। 256 रेज टू एक्स, 256 रेज टू एक्स 16 रेज टू एक्स इक्वल्स 1। इसमें क्या करो, अभी 256 जो है इसको हमने कैसे, इसको 16 रेज टू 16 इंटू 16 कितना होता है, 256 होता है, तो इसका मतलब इसको 16 रेज टू एक्स लिख लेंगे। 256 इक्वल्स, ओके, 16 रेज टू 2 मीन्स 256, तो 256 के जगह 16 रेज टू 2 लिख लो। 16 रेज टू 2 इक्वल्स एक्स, क्यों करने का, तो इधर हमने 16 है, यहाँ पर दोनों में भी 16 लाना चाहिए, तभी इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो 256 के जगह में हम 16 रेज टू 2 रखा, एक्स या पावर एक्स टू द पावर एस जो रखा, तो नेक्स्ट प्लस ऑफ प्लस साइन है, 256 द पावर एक्स मीन्स 16 द पावर 2 होल पावर एक्स, ओके। नेक्स्ट 16 पावर एक्स को एज जो रख दो, इसको कुछ करने का नहीं क्योंकि 16 ऑलरेडी है इक्वल्स 1, ओके। अभी क्या करो, अभी ये दोनों में पावर रूल यूज करो। पावर रूल कैसे, ये क्या है, 16 रेज टू 2 है ना, अभी पावर रूल क्या है, एक्स रेज टू एम, ये रेज टू, हाँ चलो चलो एक्स रेज टू एम होल रेज टू, अगर एन रहा तो एक्स रेज टू एन होल रेज टू एम भी लिख सकते हैं, है ना, ये पावर रूल ये इधर यूज करो। तो इधर क्या हो जाएगा, 16 रेज टू 2 होल रेज टू एक्स है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 रेज टू एक्स होल रेज टू 2 ऐसा लिख सकते हैं, है ना, सेम है ना, ये पावर रूल से पहले 16 रेज टू 2 एक्स को 16 रेज टू एक्स अंदर लाओ, ये एम और ये एन है समझ लो, ये एन का वैल्यू पहले लाओ, एन का वैल्यू रेज टू पावर बाद में रखो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 रेज टू एक्स होल रेज टू 2 प्लस 16 रेज टू एक्स होल रेज टू 2 प्लस 16 रेज टू एक्स इक्वल्स 1। इतना हो गया। अभी क्या करो, लेट यहाँ पर लिखेंगे पूरा ये भी लिखे, लेट ए इक्वल्स 16x, जहाँ भी 16x दिख रहे हैं उसमें ए रख लो, पहले रख लेके सॉल्व करने का कोशिश कर लो। तो 16x मीन्स ए इक्वल ए स्क्वेयर हो गया, 16x मीन्स ए का स्क्वेयर एज हो गया, ए स्क्वेयर हो गया प्लस ए ओनली ए हो जाए इक्वल्स 1, यानी ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए इक्वल्स 1। ए स्क्वेयर स्क्वेयर मीन्स 2 ए स्क्वेयर प्लस ए इक्वल्स 1,
therefore 2 a square plus a minus 1 equals 0. ठीक है, ये हो गया. अभी 2 a square plus a minus 1 को आप फैक्टराइज करके वैल्यू निकाल दो इसका. अगर इधर फैक्टराइज किया तो इधर लिख लूँ मैं पहले 2 a square plus a minus 1 equals 0. अगर इसे फैक्टराइज किया तो क्या आ जाएगा प्लस a को 2 a minus a. अगर 2 a minus a लिखा तो प्लस a ही आएगा ना. तो फैक्ट्रेशन करो 2 into 1 equals 2. फैक्ट्रेस किया तो 2 into 1 ही आ जाएगा ना. तो ये प्लस 2 कर लो, ये माइनस 1 कर लो. तो फैक्टर करके इसको सॉल्यूशन करो, प्लस 2 a माइनस a माइनस 1 इक्वल 0. सेम हो जाएगा, 2 a प्लस 2 a में माइनस a का अगर क्या तो प्लस a ही रहेगा. ठीक है, तो अभी इधर 2 a कॉमन निकालो तो इधर क्या बचेगा, a प्लस 1 बचेगा. इधर माइनस 1 कॉमन निकालो इधर क्या बचेगा, a प्लस 1 इक्वल्स 0. ठीक है, यहाँ पर 2 a कॉमन लो तो a प्लस 1 बचेगा. इधर माइनस 1 कॉमन लो इधर a प्लस 1 बचेगा. माइनस 1 इंटू ए माइनस 1, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1. अभी इन दोनों में a प्लस 1 कॉमन लो तो बचे क्या, 2 a माइनस 1 इक्वल्स 0. तो इसका मतलब a प्लस 1 इक्वल्स 0 एक हो गया और 2 a माइनस 1 इक्वल्स 0 एक हो गया. देयरफॉर a इक्वल्स माइनस 1 है. दूसरा क्या है, 2 a इक्वल्स प्लस 1, देयरफॉर a इक्वल्स 1/12. ठीक है, ये बाद में देखिए क्योंकि ये तो माइनस 1 में रहा तो अगर आया तो ये माइनस 1 मतलब इस नहीं आना चाहिए. माइनस 1 माइनस 1 मतलब नो रियल सॉल्यूशन नहीं है. ये हाफ ए इक्वल्स हाफ पकड़ के हम सॉल्यूशन करेंगे. तो ये की जगह हम क्या पकड़ा, इधर किधर लिया हम, लेट यहाँ पर लेट ए इक्वल्स 16x पकड़ा है ना. तो ए की जगह में 16x पकड़ी रख दीजिए इक्वल्स हाफ, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ए इक्वल्स माइनस 1 तो नहीं रहेगा, नो रियल नंबर, पॉजिटिव चाहिए ना. तो ए इक्वल्स 1 ऑफ मीन्स 16x ले इक्वल्स 1 ऑफ हो गया क्योंकि हमने पहले ए इक्वल्स 16x पकड़ा रख लिया है. ठीक है, तो 16x मीन्स 16 मीन्स 2 रेज टू 4 होल रेज टू x. ठीक है, 2 रेज टू 4 मीन्स 16, एक्स एज वेल रखा तो ऐसा आप रख लो 2 रेज टू 4 होल रेज टू x इक्वल्स 1/2, 2 रेज टू 4x इक्वल्स 1/2. ठीक है, देयरफॉर ये दोनों 2 रेज टू 4x इक्वल्स माइनस 2, 2 रेज टू माइनस 1, सॉरी 2 रेज टू 4x मीन्स 2 रेज टू माइनस 1, 2 रेज टू 4x मीन्स ये हाफ को ऊपर लाया तो क्या हो जाएगा, ये जैसे इधर लिखता हूँ ए रेज टू m इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई ए रेज टू माइनस m. तो ये माइनस एम की जगह है तो ऊपर लाओ प्लस एम हो जाएगा. देयरफॉर 2 रेज टू माइनस 2 रेज टू 1 ऑफ मीन्स 2 रेज टू माइनस 1 सेम. देयरफॉर 4x ये दोनों सेम है तो इक्वल साइन है तो ऊपर का जो इंडेक्स है वो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो माइनस 1 हो गया. देयरफॉर x इक्वल्स माइनस 1/4. हमें x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू क्या है इसका, माइनस 1/4. x का वैल्यू निकालो बोलो ना, x का वैल्यू आंसर क्या है, माइनस 1/4.
ठीक है। अभी इस एक्स का वैल्यू हमने निकाल दिया, तो इसे हम चेक करना है ये इक्वेशन में एक्स का वैल्यू रख के ये इक्वल वन आ रहा ही नहीं, तो तभी ये आंसर करेक्ट है बोल के हम समझ लेंगे। तो वो किधर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, इधर निकाल देंगे, यहाँ पर ये इक्वेशन रखूँगा, इसमें आंसर ए करके एक्स का वैल्यू पुट करके सम इक्वल होता है नहीं देखेंगे। 256x + 256x + 16x = 1, इसमें x का वैल्यू -1/4 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 256 raised to -1/4 + 256 raised to -1/4 + 16 raised to 1/4 = 1। ये तो हमें आंसर लाना है इक्वल्स वन। वन आता ही नहीं देखना है, इधर क्वेश्चन मार्क समझ लो। तो 256 बोल तो क्या होता है, 2 raised to 8, 256 में 2 raised to 8 लिखता हूँ, बाद में देखिएगा, -1/4 + 2 raised to 8 - 1/4 + 2 raised to 8 = 1। सॉरी -1/4 2 raised to 56 + 2 raised to 8 2 into 2 4 into 4 इधर कर लो, 16 into 16 256। ओके, यानी 256 raised to 6 means 2 raised to 8 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, 2 raised to 8 यही रखा मैंने, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर का जो कोएफिशिएंट है ये रेस्ट है, ये क्या जाएगा, 2 raised to -8/4 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 2 raised to -8/4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 raised to -8/4 ये भी आएगा इक्वल्स वन, सॉरी ये 8/4 नहीं आ जाएगा, 2 raised to 1 है ना ऊपर, -1/4 आ जाएगा, 2 raised to इधर 8 नहीं है, कन्फ्यूज कर रहा हूँ, 16 मतलब कितना आता है, ये 256 था, 2 raised to 8 आया, लेकिन ये ओनली 16 है, तो इसको क्या आना चाहिए, 2 raised to only 4 आ जानी चाहिए, -1/4 = 1, क्योंकि 16 2 raised to 4 = 16 हो जाता है, 2 raised to 8 = 256, 256 की जगह में 2 raised to 8 रखा, लेकिन 16 की जगह में 2 raised to 4 रखना चाहिए ना, 2 4 into 4 = 16। ओके, मिस्टेक और, तो 2 raised to 4 - 1/4 हो गया, इधर क्या आ जाएगा, -4/4 हो जाएगा, इक्वल्स 1 आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 1 4 4 2 4 अगर ये किया तो -2 इधर आ जाएगा, 2 raised to -2 इधर आ जाएगा, इधर 2 raised to -1 आ जाएगा, इक्वल्स 1 तो लाना है हमें, 1 4 1 4 1 गया, तो इसे हमें नीचे लाया तो क्या आ जाएगा, 1/2 raised to 2 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/2 raised to 2 हो जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा, 1/2 उतना ही हो जाएगा, क्योंकि 2 raised to -2 मीन्स इक्वल्स 1/2 raised to 2। नीचे अगर इसको लाया तो ये माइनस का साइन प्लस आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 + 1/4 2 raised to 2 = 4, ये 1/2 एज यूजुअल रहेगा, ये इक्वल्स ये सॉरी इक्वल्स 1 है ना, 1 लाना है हमें 1। तो देखो इसका एलसीएम अगर निकाला तो 4 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर एलसीएम में 2 आ जाएगा, इक्वल्स 1 अगर लिया तो 4 = 4 आ जाएगा, फिर ये इक्वेशन 1 = 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये चेक करने का तरीका, तो एक्चुअल आंसर तो x = x = 1 - 1/4 हो गया, लेकिन
ये आंसर करेक्ट है नहीं हमने इसमें इक्वेशन में रिपोर्ट करके देखा तो 1=1 हुआ। देयरफॉर एक्स का वैल्यू जो है ये आंसर एक्स का वैल्यू क्या है -1/4 है ना, ये करेक्ट है -1/4। बस आवर आंसर इज -1/4 इज करेक्ट आंसर।